तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स में। इस समय हम सब लोग प्रत्यावर्ती धारा नाम के चैप्टर के आंकिक प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं बालाजी प्रकाशन से, और ये इस चैप्टर का नौवां लेक्चर है, नौवां पार्ट है। इसमें आज हम सब लोग अनुनादी परिपथ पर आधारित आंकिक प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ज्यादातर तो LCR का पूछा जाता है, और जो अनुनाद की व्यवस्था होती है वो LC परिपथ जहां L और C आती हैं वहीं पर लागू होती है। ज्यादातर LCR के क्वेश्चन अनुनाद के भी पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 जो है वो इस लेक्चर में कंप्लीट किए जाएंगे, क्योंकि यही तीन क्वेश्चन अनुनादी परिपथ पर आधारित है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम अनुनादी परिपथ पर आधारित कुछ जो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं उनको देख लेते हैं। अनुनादी परिपथ के लिए जो प्रतिबंध होता है वो XL XC के इक्वल होना चाहिए। अगर XL और XC कहीं पर भी इक्वल हो रहा है तो वो अनुनादी परिपथ ही होता है, यानी कि प्रेरण प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात, प्रेरण का प्रतिरोध और धारिता का संधारित्र यानी धारिता का प्रतिरोध दोनों इक्वल होते हैं तब ये अनुनादी परिपथ को बताता है, दर्शाता है। आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये LCR परिपथ में धारा का शिखर मान का फार्मूला है, और इसी का यूज करके हम सभी के सभी फार्मूले यूज करते हैं, क्योंकि अनुनाद का मतलब होता है प्रतिरोध का मान कम करके धारा के मान को बढ़ाना। तो प्रतिरोध का मान कम करना है तो प्रतिरोध कम करेंगे जिससे धारा बढ़ जाएगी, वही होता है अनुनाद। ठीक है, तो XL और XC आपस में इक्वल रख करके XL और XC इक्वल हो जाएंगे तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर ये जीरो हो जाएगा, रूट का आर स्क्वायर बचेगा, रूट के बाहर आएगा आर स्क्वायर तो आर बचेगा, तो फार्मूला क्या मिल जाएगा, वी नॉट इज इक्वल I नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर बचेगा, क्योंकि ये तो जीरो हो गया है। ऐसे VRMS इज इक्वल टू IRMS जो है हम फार्मूला लगा सकते हैं IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन आर का, ये होती है अनुनादी धारा, अनुनादी धारा का शिखर मान है और ये अनुनादी धारा का मान है। ओमेगा बराबर होता है, अगर यहां से XL बराबर ओमेगा L, XC बराबर 1/ωc होता ही है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो कोणीय आवृत्ति आती है वोल्टेज और धारा की अनुनादी परिपथ में वो 1/√LC होता है, कोणीय आवृत्ति या कोणीय चाल को, और ये आवृत्ति होती है अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला 1/2π√LC यही होता है, ये ज्यादातर प्रूव करने में पूछा जाता है। अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला ओमेगा बराबर 2πf रख करके 2π को नीचे डालेंगे f की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1/2π√LC। अनुनादी धारा का तो हम जान ही गए, प्रतिबाधा जो टोटल होती है वो R के इक्वल होती है, अनुनादी परिपथ में प्रतिबाधा R के बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर, क्योंकि XL और XC ये तो जीरो हो जाएंगे ना कट करके, कालांतर हमेशा जीरो होता है। ठीक है, पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा तो जरूर से देखिए उसे, क्योंकि उसी का यूज करके LCR परिपथ का यूज करके बस जितने LCR के परिपथ के फार्मूले आए उसमें XL बराबर XC पुट करके ये सभी फार्मूले लिए गए। ठीक, बाकी LCR परिपथ होता है VL इज इक्वल टू IXL होता है और VC इज इक्वल टू IXC, VR इज इक्वल टू I×R। अगर वोल्ट L पर वोल्टता का शिखर मान चाहिए तो धारा का शिखर मान लेंगे, L पर वोल्टता का मान चाहिए तो फिर हम IRMS लेते हैं, VRMS की वैल्यू चाहिए तो धारा IRMS लेते हैं, अगर वोल्टता का शिखर मान चाहिए तो धारा का शिखर मान अप्लाई करते हैं यहां पर I नॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर देखते हैं। कह रहा है कि एक LCR परिपथ के सिरों के बीच 100 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभव लगाया जाता है, परिपथ में प्रेरण प्रतिघात XL बराबर 20 ओम, धारिती प्रतिघात XC बराबर 20 ओम तथा ओमीय प्रतिरोध 5 ओम, परिपथ की प्रतिबाधा तथा LCR के सिरों पर के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। VRMS में कभी भी विभव का मान कह रहा है तो यानी वो VRMS ही है, VRMS 100 वोल्ट दिया गया है, धारा जो है XL बराबर 20 ओम, XC बराबर 20 ओम, XL और XC आपस में देख सकते हैं इक्वल है, XL भी 20 ओम है, XC भी 20 ओम है, इसका मतलब ये अनुनादी परिपथ है, और R बराबर कितना है 5 ओम, Z निकालना, L पर वोल्टता, C पर वोल्टता, R पर वोल्टता हमको चाहिए। अब क्योंकि हमको कह दिया गया है XL जो है वो इक्वल है XC के, दोनों ही 20 ओम के हैं, इसलिए यह अनुनादी परिपथ, अनुनादी परिपथ है। ठीक, अनुनादी परिपथ है तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, जेड बराबर क्या होगा R, और R हमारा कितना दिया गया 5 ओम, तो 5 ओम हो गया, प्रतिबाधा हो गई है आंसर,
ये प्रतिबाधा को जेड से लिखा जाता है, कुल प्रतिबाधा आ रही होती है अनुनादी परिपथ की, यही हमने बताया था। और सेकंड क्या निकालना है, वीएल। वीएल निकालने के लिए सबसे पहले हमको फार्मूला चाहिए, वीएल बराबर आई एक्सएल, आई का मान चाहिए, आईआरएमएस चाहिए हमको, आई का मतलब ये, आई का मतलब आईआरएमएस, धारा का मान मतलब धारा का वर्ग माध्य मूल मान। आईआरएमएस बराबर क्या होता है, वीआरएमएस अपॉन आर। वीआरएमएस कितना में दिया गया, 100, और आर कितना है दिया गया, 5, 20, 25, 100। तो आईआरएमएस कितना आ गया, 20 एम्पियर। अब हम VL निकाल सकते हैं, VL बराबर क्या होता है, I XL, I कितना है 20 है, XL कितना हमारे पास दिया गया था 20, तो 20 भी सेम 400 होता है, 400 वोल्ट। VC बराबर क्या होता है, I XC, I का मान कितना आया है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान ले रहे हैं, ठीक है 20, और XC भी 20 दिया गया है, 20 का 20 से गुणा कराएंगे 400 वोल्ट। VR बराबर क्या होता है, I इंटू R, I कितना आया है 20, R कितना दिया गया था 5, 20, 25, 100, R पर वोल्ट था 100, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो सेम पिछले वाले वीडियो जैसे हैं, कोई नया नहीं कुछ। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। 27 में क्या कह रहा है कि एक अनुनादी परिपथ में लगी कुंडली में स्वप्रेरकत्व का मान 20 मिली हेनरी है, यदि परिपथ की अनुनादी आवृत्ति 1 मेगा साइकिल प्रति सेकंड हो तो परिपथ में लगे संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। पाई स्क्वायर बराबर दिया गया है 9.86। तो एक अनुनादी परिपथ पहले से ही दे दिया गया है, एलसीआर है, अनुनादी परिपथ ही दे दिया गया है डायरेक्ट। उसमें जो कुंडली लगी है, कुंडली एक लगी होती है, उसका स्वप्रेरकत्व यानी एल का मान 20 मिली हेनरी, और मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब होता है 10^-3। ठीक, अनुनादी आवृत्ति दी गई 1 मेगा, एफ बराबर 1 मेगा साइकिल प्रति सेकंड, चक्र प्रति सेकंड या चक्कर प्रति सेकंड, मेगा या मिलियन का मतलब होता है 10^6, प्लस का रहता है, माइक्रोन का होता है -6, साइकिल प्रति सेकंड का मतलब होता है हर्ट्ज, साइकिल चक्र, चक्कर प्रति सेकंड, एक सेकंड में लगे चक्करों की संख्या ही तो आवृत्ति होती है, 10^6 हर्ट्ज। सी निकालना, पाई स्क्वायर दिया गया, एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्ससी होता है, क्योंकि हमें एफ दिया गया है तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगा सकते हैं, एफ बराबर क्या होता है 1/2π√LC, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो एफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, वर्ग करेंगे यहां से, एफ का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 × 2 = 4, पाई का स्क्वायर, एल सी रूट के बाहर आ जाएगा, रूट हट जाएगा स्क्वायर से। अब हम करेंगे क्या, सी को ऊपर ले जाएंगे, एफ स्क्वायर को नीचे लाएंगे, क्योंकि हमको सी की वैल्यू चाहिए, तो सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/f² गुणा 4 पाई स्क्वायर और गुणा में एल। हल करेंगे तो 1/c सी को ऊपर ले गए, एफ स्क्वायर को नीचे ले आए, ठीक है। तो 1/c एफ का स्क्वायर, एफ कितना है 1 × 10^6, यानी टोटल 10^6 होल स्क्वायर लगा, होल स्क्वायर गुणा 4π² की वैल्यू डायरेक्ट दी गई है 9.86 गुणा एल का मान हमें दिया गया है 20 × 10^-3। हल करेंगे तो कितना होगा, ये यहां पर एक जीरो है, एक जीरो प्लस का हल कर लेते हैं, थोड़ा एक लाइन और, 6 × 12 गुड़े में 4, 4 × 8 = 80 है ना, गुड़ा में 9.86 गुड़ा में 10^-3। अब यहां का एक जीरो और ये 12 जीरो, टोटल कितने जीरो हो गए, 13 जीरो, 13 जीरो प्लस के भाई 12 और एक, 13 जीरो प्लस के, 3 जीरो माइनस के, तो बचेंगे कितने, 10 जीरो, प्लस के ऊपर जाएंगे माइनस के 10 जीरो हो जाएंगे, और नीचे कितना है 8 बचेगा और गुणा में 9.86। अब हम डायरेक्ट 2 जीरो प्लस के बढ़ा रहे हैं, 2 जीरो माइनस के ऊपर, 2 जीरो प्लस के, 2 जीरो माइनस के, और गुणे में 10^-10 लिखा है, 2 जीरो प्लस के, 2 जीरो माइनस के, इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि ये आसानी हो जाए, 10^2 मतलब 100। हल करेंगे 4 से, 4 × 8, इसको 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 25,
अब हल करेंगे तो 25 को 2 से भाग कराएंगे, 12.5, 12.5 गुणे माइनस 10 माइनस 2 माइनस का 12 हो जाएगा, और बटे में कितना बचा 9.86। आप चाहें तो इसे दशमलव के बाद दो अंक बढ़ा करके इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। दो से काटेंगे तो 2 × 4 = 8, 1 × 18 = 18, 2 × 9 = 18, 1 × 2 = 3 = 6। दो से काटेंगे 2 × 6 = 12, और 25 हो जाएगा 50 का आधा। अब 625 है और नीचे 493, 625 अंदर लिखेंगे, 493 बाहर। एक बार जाएगा 493, 1 × 493 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहां से बचेगा कितना 13, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 5 का पहाड़ा पड़ना 13 से, यानी कि करीब करीब 2 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6 और 2 × 9 = 18, अरे लमसम ये 2 बार चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आएगा, 1.2 करके आएगा, और 10 की घात गुणे में 10 की घात माइनस 12, ये किसकी वैल्यू आई है, सी की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू है ये भैया, सी की वैल्यू, और 10 की घात 12, सी का मात्रक क्या होता है, फैरेड होता है धारिता का। 10 की घात 12 का मतलब, माइनस 12 का मतलब पीको, तो 1.2 पीको फैरेड, यही बन जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, 1.268 लगभग यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 था ये। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, करते जाएंगे समझते जाएंगे, आसानी से हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एक 60 हर्ज आवृत्ति के प्रत्यावर्ती स्रोत के श्रेणी क्रम में 1/π हेनरी का प्रेरकत्व एवं एक संधारित्र जुड़ा है, यानी एक LC परिपथ है जिसमें L का मान 1/π हेनरी है और C का मान हमें ज्ञात करना है। किस स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। तो जो हमें आवृत्ति दी गई है ये अनुनादी आवृत्ति है, और अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला होता है F = 1/2π√LC। वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो f का स्क्वायर हो जाएगा, और 1/2π का स्क्वायर हो जाएगा, 2π का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और यहाँ रूट हट जाएगा तो बचेगा कितना LC। पिछले वाले क्वेश्चन की बात इसमें भी करेंगे, c और f स्क्वायर को आपस में बदलेंगे तो c चला जाएगा ऊपर, एफ स्क्वायर आ जाएगा नीचे, और जिसका गुणा किससे हो जाएगा, 4π², और साथ में क्या था यहां पर बच रहा था L। अब हम वैल्यू को डालेंगे, 1/f² f कितना है 60, 60 का स्क्वायर 4π² लिखा रहने देंगे, क्यों, क्योंकि L का मान कितना है 1/π है, 1π से 1π कैंसिल। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6 = 3600 गुड़ा 4π, 4π की वैल्यू आप चाहे डाल सकते हैं, या 4π की वैल्यू 3.14 चलिए डाल देते हैं, दशमलव हटाएंगे ऊपर कितने 0, 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो गया यहाँ पर भैया, ऊपर 1 बचा, अब नीचे कितना बचा 36 चौके, चलिए हाँ भाग गुड़ा करा लेते हैं 36, इसका पहले गुड़ा कराते हैं, तो ये 14 × 4 = 56 होता है, और 4 × 3 = 12, 1256, और गुणा में कितना है 36। अब हम क्या करेंगे, कुछ जीरो प्लस के बढ़ाएंगे, कुछ जीरो माइनस के बढ़ाएंगे, तो सबसे पहले हम 4, 2, 3 0 करते हैं, ऐसा करते हैं, 2 0 प्लस के बढ़ाते हैं और 2 0 माइनस के, माइनस के 2 0 और प्लस के 2 0, भाई एक था, 2 0 प्लस के 2 0 माइनस के बढ़ा। अब 4 से काटेंगे, 4 × 9 = 36 और 25 × 4 = 100, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे, हम यहां पर फिर से 2 0 बढ़ाते हैं, तो 25 × 100 फिर से 2 0 प्लस के, 2 0 माइनस के, तो 2 पहले से ही थे, टोटल 4। अब नीचे कितना बचा, 9 × 1256, फिर से इसको काटेंगे 25 × 100 और इसको काटेंगे तो 314 बचेगा, क्योंकि 4 से गुणा कराए थे ना। अब 25 का 25 से गुणा, 625 गुणे में 10 की घात कितना है, माइनस का 4,
और नीचे कितना है 9 × 314, तो अभी भी ज्यादा है। तो ऐसा करते हैं हम दो जीरो और बढ़ाते हैं, तो 6 जीरो माइनस के हो गए और 2 जीरो प्लस के और बढ़ा दिए। अब की बार 2 से काटेंगे, 2 × 2 हो गया और यहां पर 1 बच गया, 2 × 5 = 10, फिर 1 × 2 = 14 और ये कितना बचेगा 50। अब 5 का गुणा 625 से कराएंगे तो ये कितना होगा 3125 होता है, 1 जीरो बच रहा है और गुणा में 10⁻⁶ - 6 माइक्रो हो जाएगा फेरेड में, और ये 9 × 9 = 63 और 9 × 5 = 45 और 6 × 51 = 1 बचा 5 और 9 × 1 = 9 = 5 = 14। अब भाग करा देते हैं, अंदर कितना है 31,250। एक बार गुणा करा लेते हैं, 5 × 25 = 5, 5 × 2 = 10, 2 = 12, 5 × 6 = 30 और 1 = 31, 1 = 0 तो 50 करना और ये 1413 से कराना है, यानी कुल मिलाकर के 1500 से 15 से भाग कराना है। तो ये कितना 2 बार जाएगा, तो 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2 घटाएंगे तो कितना बचा 1, यहां से 15, 15 में से 6 गया 9 बचा, यहां पर 1 बचा, 1 इधर से उधार लेंगे, 11 में से 2 गया 9 बचा, यहां 30 में से 28 जाएगा भाई, 0 बचेगा, 30 में से 28 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब डायरेक्ट हम क्या उतार लेंगे 0 ये उतार लेंगे। अब फिर से कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, फिर से 2826 हो जाएगा, घटाएंगे तो 4 बचा, यहां पर कितना बचेगा भैया 8, 8 में से 2 गया 6 बचा, यहां पर 9 में से 8 गया 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, ठीक है, तो यही आ जाएगा हमारा लगभग लगभग 22 माइक्रो फैरेड भाई, 22 × 10⁻², 22.1 गुड़े 10⁻ कितना माइनस का 6, इस सी की वैल्यू है फैरेड में और माइनस 6 का मतलब माइक्रोन होता है, ठीक है, माइक्रो हटाते हैं 10⁻ माइनस 6 जोड़ते हैं फिर से, तो 22 लगभग लगभग 22 माइक्रो फैरेड का जो संधारित्र है उसकी धारिता जो है 22 माइक्रो फैरेड की लगभग लगभग करके आने वाली है और यही इसका क्या बन जाएगा आंसर, ठीक है। तो अनुनादी स्थिति में आने के लिए कम धारिता का मान कम से कम 22 माइक्रो फैरेड होना चाहिए, ठीक है, ताकि XL और XC इनके प्रतिरोध आपस में बराबर हो जाए और जो परिपथ है वो अनुनादी हो जाए, यही इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 और अनुनादी परिपथ पर आधारित अंकिक प्रश्न इसी के साथ समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग ट्रांसफार्मर पर आधारित अंकिक प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, तो अगर ट्रांसफार्मर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो जा करके आप सर्च करिए आदर्श डिजिटल क्लासेस ट्रांसफार्मर, ठीक है, डाल देंगे तो वहां ट्रांसफार्मर के 2 वीडियो, एक वाइबा का और एक ऐसे थ्योरी पार्ट है, वो 2 वीडियो करवाए गए हैं, ठीक है, तो उनको जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एलसीआर का नहीं देखा तो एलसीआर का भी देख लीजिए, आदर्श डिजिटल क्लासेस एलसीआर परिपथ डालेंगे तो फिर वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसफार्मर के जितने भी क्वेश्चन है, टोटल हमारे पास करीब करीब 5 से 6 क्वेश्चन है, 2 और 2 = 4 और 2 = 6 और 1 = 7 क्वेश्चन है, इन 7ों क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 10 जो होगा इसका वो लास्ट होगा ट्रांसफार्मर के साथ समाप्त करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।